राम राम जी सारा नए। तो आपका अपने चैनल देसी विलेज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। और भाई कृष्ण जन्म की आप सब ने हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन, जो भाई कृष्ण का जन्म मनाया जा है, मतलब पैदा हुए थे, तो उसने हर्ष और उल्लास के साथ सब मनावे हैं। तो फिर मैं लाग रही थी सुबह सुबह रोटियां का, क्योंकि आज जीव का पापा जा था, तो फिर आज 7:30 बजे लागी थी मैं रोटियां का, बाकी काम बाद में कर लूँगी। और जो स्टार्टिंग में क्लिप है वह है मेरी बहन की लड़की है, तो स्कूल में फंक्शन था उसकी वह है, और छोटी सी क्लिप है। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दियो, बहुत अच्छे तरह प्रिपेयर कराया उन्हें डांस जो है वो। और ये फिर मैं बना दूंगी चटनी फटाफट टमाटर की, और जो जा गया था तो फिर रोटी टूका तो मतलब तो धूप में रख दिए हैं। गेहूँ कल पीसना कराया था, तो फिर थोड़ी धूप सी लग जाए तो अच्छी पिसाई हो जाए है, और जो कीटाणु कीटाणु हैं वे भी मर जाए हैं इसमें, जो कि वहाँ में सुलसी वगैरह भी हुए हैं वे भी बाज बाज का बाहर लकड़ जाए हैं। तो फिर यार मैंने चाकी चला रखी थी, मैं चून भी गला गला पिस जाएगा, पट्टा चढ़ रहा था न्यार, तो मैं बाद में आऊँगा फिर बाद में कट जाऊँगा तो ये पिस जाऊगा। तो एक कट्टा का पिसना एक कब कर दिया, जो पूरी ड्रामी है कैनी है वह बर्दी है चून की, बार बार नहीं पीसना पड़ा। फिर बार बार कह रहे हैं तो फिर मेरे तो वही बात है, एलर्जी सी हुए है पीसना करते ही, इसी चुटक चाटी सी माच है शरीर में, क्योंकि पहला एक खाज खुजला खुजली का शरीर है, तो इस वजह से फिर शरीर काम का कोना फटाफट नहाना ही पड़े उसके बाद, ना तो फिर दाफड़े से हो जावे हैं। तो फिर चाकी चला रखी थी साथ साथ में, फिर मैं कब पिसे जाऊँगा, इतना मैं है ना टंकी ने साफ कर दूँ, इसने दोएं बीनू लगा लो 15-20 दिन हो गए होंगे, क्योंकि पानी की अरती ना थी इसमें, वापस तो फिर पानी डाल दिया था, और नलके में इतना रेत आव है कसुत्ता, तो इसमें रेत सा हो रहा था रूँ भी, वही बात है सारे आना बरते जाऊँ इस पानी ने, जो कर गोबर भारी का काम करका है, फिर इसमें तो पानी ले लिया भाई, हाथ तो धोए पैर वैर धोए और लत्ते चाल के धोए, तो सारा काम इससे तो हुआ है। तो इसमें अच्छे बुंडे हैं, बाल्टी तो उस तरह साफ सुथरे रखा करें, अभी दिए हाथ भी हैं थोड़े बहुत भी झड़के बिना को न रहनते, और गर्म वाई बात है 70 मेल के मानस है 70 हाथ दिए जाए हैं, तो इस मारे तो इसने सुथरी धो दूंगी, फिर नलके आऊँगे तड़का आऊँगी शायद, तो तड़के इसने दो दाक मेरी माँ फिर भर देवेगी, सॉरी दो तो मैंने दी थी, फिर मेरी माँ फिर भर देवेगी इसने, तो पीछे तो भी अच्छे से साफ कर दूँगी, क्योंकि रेता लग रहा था, फिर छोटी ब्रश लेकर और फिर तार दूँ, काई सी चिपक जाओ इसमें पानी खा रहा है, तो इस मारे इसमें काई ज़्यादा लग गए हैं। और वीडियो ने अपना सपोर्ट जरूर दियो भाई, जितना साथ सपोर्ट दोगे उतना भाई अच्छा व्लॉग बनाने का मन करेगा हमारा, और ये तो डेली व्लॉग जाऊँ मेरे डेली बनाने की कोशिश करूँ मैं, कुछ ना कुछ भाई जरूर करूँ। देखो सारे दिन काम धंधा तो वही हुआ है, आखा वही रोटी टूका हुआ है, सब नाव है मतलब यो, लेकिन व्लॉगिंग का काम ही वही हुआ है भाई, अपना जो डेली रूटीन है वो दिखावे हम। और GNC भी आ गई थी बाज के देखने तई, क्योंकि बाहर है ट्रैक्टर आ रहा था, और या बोली DJ बज रहा है, मैं DJ नहीं बज रहा, ट्रैक्टर आया है, डेक लाए रखे हैं तो बजावे हैं, तो ये भी अच्छे तो झाड़ू तो साफ कर दूंगी, जो भी भाई कि मैं जाला जुड़ा होगा सारा उतरा होगा और सुथरे डाला साफ हो जाओगी। एक टंकी तो न्यू लगा लो लग जाओ है पानी पात की, 3-4 दिन में तो न्यू लगा लो बरती जाओ है, और लत्ते चाल के दोवा जो बोर भी लग गए है, तो बनियान के साथ इसका जो रेत रात है वो सारा पूछ के और धो दाकर फिर दर दूंगी इसने। वीडियो अगर चलती रहे है फिर काम करे जाओ तो पता ही ना चलता कितने, या जो क्लिप है वनू लगा लो 11 मिनट की बन गई थी टंकी धोने की, तो इतनी बार लग गई थी, और बाकी काम भी करके आई थी, तो फिर मैं कहा हर रोज़ वह काम दिखाने भाई अच्छा सा नहीं लगता, तो कुछ यूनिक अगर करेंगे तो फिर भाई यूनिक अपना वीडियो है वो बना लेंगे। फिर दलिया भी पीछा था मैंने बाद में कल शाम ने दलिया भी पीछा था नाना कती, तो छाण छुण को राड़ी रूड़ी तार के और फिर सुतरा कर दिया था, आज उसने बून दूंगी मैं, क्योंकि फिर एक आध बबई है न्यू है दलिया भी बना ले अड़का खाना चल जाया करें। देखिए गेहूँ खतर मैंने अपना जो गेहूँ है वे साफ सूफ कर धूप में रख दिए थे, फिर मैं कहें इनका अच्छी धूप लाग जाओगी, फिर शाम ने पिसाई करके फिर अपना दलिया बना कर रख दूंगी राड़ी रूड़ी तार के ने, और इब अपना जो बनियान है उसने भी धो दाकर सुखा दूंगी, और टंकी मेरी होगी है साफ। बात करते करते भी वो पानी बच रहा है 2-2.5 तसले, इसने इकट्ठा कर दूंगी
और बार बार जो देखना पड़ा था क्योंकि रोटी वाला रह रहा था जो गांव वाला आया करे तो वो रह रहा था मका करे चले ना जाओ फिर वो उस खातर भी वही जरूरी थोड़ा इंतजार सा करना पड़े है। रुके तो मारा करे वो कई बार तो खड़ा रहा कर फिर मकई बाहर आ रही हूँ तो बार बार वही बाहर ना आना पड़े। तो उसके बाद फिर घी माँ का धूप लाग जाएगी और थोड़े थोड़े करके गाल दिया अगर उसमें जो करे एक छालनी गाल दिया आधी आधी और तावली पिस जाए और धूप लाग जाए जब और सुतरी पिस जाए सुतरी पिसाई हो जाए फिर कहीं तो गाल तक बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और अंदर देखो छाँव में कति कड़ा कड़ा हा दिखा है तो ये दो छाल निकाल दूँगी इतने ये पिसेंगे इतना अपना और के मैं काम कराऊँगी बाजकन है और दूध धार का है वो तो बखत तय हो जाओ अपना यूँ लगा लो 7 बजे है ना झाड़ू पोचा और दूध बलोना उजेना सारा काम हो जाओ मेरा गोबर बारी का। तो आज का व्लॉग इतना ही, उम्मीद है पसंद आओगा। धन्यवाद भाई आप सब।